सायन गुलीवाड़ा में इन दिनों दुकानदार काफी परेशान है। सायन गुलीवाड़ा के लक्ष्मण निवास से लेकर एफरोड माटुंगा तक बीएमसी ने पे एंड पार्क का ऑर्डर निजी कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, जिसने दुकानदार को बिना किसी जानकारी के नोटिस लगा दिया है और दुकानदारों को धमका रहा है, जिसके विरोध में शिवसेना अवजर बहादुर सेना के महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल, महाराष्ट्र राज्य सचिव इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती, महाराष्ट्र राज्य उप सचिव शाहजी पाटिल, महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटिल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस विरोध में मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जो इलीगल तरीके से पार्किंग का प्रस्ताव बीएमसी ने कुछ कॉन्ट्रैक्टरों के साथ में मिलकर यहाँ पर चालू किया था, उसका 6 महीने पहले भी काफी विरोध हुआ था जोर शोरों से। तो उस टाइम खासदार ने भी अजय मेहता साहब को रिक्वेस्ट की थी कि ये लोग 40 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर किसी की ट्रैफिक का कोई सिलसिला है नहीं, इसको जानबूझ के इशू बना के कुछ यहाँ के जो लोकल हैं जिनको यहाँ से इन गरीब आदमियों से खन्नी के रूप में पैसा जमा करना है, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इनके ऊपर वापस दबाव ला के और यहाँ पर चालू किया जाए। तो उसी के विरोध में भी आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। खाजर से भी बात हुई है, वो दिल्ली में थे, उन्होंने वो आज आ जाएंगे रात को, तो और 14 तारीख का मोर्चा रखा, अगर फिर भी इनको समझ नहीं आई बीएमसी को तो फिर शिवसेना अपने स्टाइल में मोर्चा निकालेगी, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे करना। इसकी वजह ये थी, शिवसेना उजड़ वास्तु सेना ऑटोमोबाइल यूनिट जो ये लक्ष्मण निवास में बनी है, इसको बन के 1 साल हो गया है। यहाँ पे जो वार्ड ऑफिसर है केशव उबाले बीएमसी ऑफ नॉर्थ, उन्होंने 6 महीना पहला 1/15/2018 को एक नोटिस इशू किया था। यहाँ पे नोटिस बोलेगा तो उन्होंने इशू नहीं किया, अपने अंदर जीआर निकाला था अपने आप में कि यहाँ पे पेन पार्क चालू होने वाला है। ये जो दुकानें देख ली लक्ष्मण निवास में 50 साल के ऊपर होगी ये दुकानें यहाँ पे हैं, और हर दुकान पे 5 से 6 कारीगर है जिनके नीचे 15-15-20 लोग काम करते हैं। टोटल 50 से 60 दुकानें हैं जिनके पास 1000 लेबर है। कुल मिला के मतलब 2000 परिवार टोटल पकड़ लो जो इस दुकानों और इस मार्केट के ऊपर चल रहे हैं, उनको डायरेक्ट कोई नोटिस नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, और कहीं से पता लगता है यहाँ पे पार्क चालू होने वाला है। तो हमारे कोई मुंबई के सचिव है शुक्ला जी, वो और संदीप उपाध्यक्ष, उन्होंने भी आटे डाला, आटे से इंक्वायरी निकाली, उनको पता लगा कि यहाँ जीआर पास हो गया है। तो हमने इस विषय में 2018 16 जनवरी को अपना केशव उबाले जो वार्ड ऑफिसर है उनसे बात करने की कोशिश की, फोन किया मैंने तो सर ऐसे ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया मेरे को टाइम नहीं है। तो हमने फिर एक पत्र दिया माटुंगा पुलिस स्टेशन में कि ऐसा ऐसा हमारे लोगों का गलत हो रहा है तो हम मोर्चा लेंगे। जब मोर्चे की बात आई तो उनको मिलने के लिए वार्ड ऑफिसर तैयार हुआ, तो उस टाइम पुलिस का बंदोबस्त वो टाइट था, वहाँ पे हम लोग गए बात की। उस टाइम में हमारे शिवसैनिक सब 1000 शिवसैनिक उतर रहे थे मैदान में, पर हमको वहाँ के सीनियर ने बोला कि सर आप मोर्चा मत लो, आपको मिलने के लिए तैयार है। तो हम खाली 15 से 20 लोग लेके वहाँ बात करने गए। उस टाइम हमने उनको बोला कि हमारे जो खासदार है राहुल शौले साहब, उन्होंने आपको पत्र दिया है, जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है बल साहब, उन्होंने पत्र दिया है, और मैं महाराष्ट्र का सचिव हूँ, मैंने आपको पत्र दिया, ये 3 पत्र का हमको आप राइटिंग में जवाब दे दो कि ये पेन पार्क कैसे हुआ, ये किस आधार पर पास हुआ, और इस पर हमारे लोगों के साथ चर्चा क्यों नहीं की गई। जो लोग 50 साल से दुकान लेके बैठे हैं उनके साथ एक बार तो चर्चा करनी चाहिए, आपकी दुकान लेके पेन पार्क लगा रहे हैं। तो बोले ठीक है, हम आपको 1 हफ्ते में रिप्लाई देंगे। आज 6 महीना हो गया, कोई रिप्लाई नहीं आया। 4 दिन पहले 6 तारीख को, ये 6वां महीना 6 तारीख को, यहाँ पे वो कॉन्ट्रेक्टर है भावेश तेलंगी, उसने 15-20 गुंडे लेके आया, दुकानदारों को धमका रहा है कि आप लोग मुझे 7000 रुपये महीना दोगे तो तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। ये हमारे शुक्ला जी है मुंबई के सचिव ऑटोमोबाइल के, इनको उन्होंने घेर लिया और बोला तू कल से दिखना नहीं चाहिए, इतनी टांग तोड़ देंगे। तो ऐसा कोई दादागिरी करेगा आके यहाँ पे तो वो शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कहीं कभी दादा रहने दो, कोई भी पार्टी का रहने दो, अगर हमारे कार्यकर्ता को या शिवसैनिक को या जनता को, हमारी यूनियन बनी यहाँ पे शिवसेना उधर वातु सेना ऑटोमोबाइल यूनियन, हमारे लोगों को तकलीफ देगा फिर वो कहीं का भी गुंडा रहने दो, जितना मर्जी वाला भाई रहने दो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमने अभी ये पत्र लिखा कल, इस पत्र में खुला लिखा हुआ 14 तारीख को हम लोग मोर्चा लेने वाले हैं, और इसमें लास्ट में मैंने एक लाइन डाली है, अगर आपने हमारे लोगों को बिठा के चर्चा नहीं की और इसका हल नहीं निकाला तो हम लोग 14 तारीख को मोर्चा लेंगे। वो मोर्चा ये शुक्ला मार्ग से लेके बीएमसी तक जाएगा, उसमें कम से कम 1000 शिवसैनिक रहेंगे। ये मेरा लेटर पैड है महाराष्ट्र सचिव का, शिवसेना उधर वातुक सेना का, इस लेटर पैड के द्वारा मैंने महानगर पालिका वार्ड ऑफिसर, हमारे जो खासदार है माननीय श्री राहुल शौले साहब उनको, जो हमारे महाराष्ट्र का अध्यक्ष है उनको, और साइन पुलिस स्टेशन और माटुंगा पुलिस स्टेशन को दिया है। नहीं, हमने पत्र दिया, बीएमसी में कॉन्टैक्ट करेंगे ना मैडम, साहब छुट्टी पे है, साहब एयरिंग में है, साहब खाना खाने के, साहब साइड पे गए, ऐसा हमको जवाब आता है। मैं 3 दिन पहले वहां गया था, 4 दिन पहले वार्ड ऑफिसर अंदर ही बैठा था,
पर मुझसे मिला नहीं, इसी विषय में क्या था। तो जब हमको मिलते नहीं है, मैं महाराष्ट्र राज्य का सचिव हूँ, अगर मुझे नहीं मिल रहा कि घंटा बिठा के, तो हम जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को क्या मिलेगा। इसके लिए लास्ट में हमने खुला एक लिख दिया है, और अगर हमको ये हफ्ते के अंदर आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ उनको, अगर वो हमको 3-4 दिन में बुला के चर्चा करेंगे तो हम बैठने के लिए तैयार है, हल निकालने के लिए तैयार है। अगर वो हमको नहीं बुलाते, 14 तारीख को शनिवार को यहाँ से मोर्चा निकलेगा, पूरा रोड जाम रहेगा, चक्का जाम रहेगा, उसका जवाबदार सिटी पुलिस और महानगर पालिका रहेगी। मंगलवार 6/6/2018 को सुबह सुबह हम लोग को पता चला कि यहाँ पे पार्किंग हो गई है, जिसका हम लोग 6 महीने से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनसे वार्ड अफसर से भी बात किए, मिले उनसे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। वो अचानक मालूम पड़ा, फिर हम लोग आए, देखे बैनर लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, फिर उसके बाद पे पार्किंग वाला वसूली करने वाले आदमी लोग आए, भाई हमको पैसा चाहिए। तो हम लोगों ने बोला भाई हम लोग इसमें चालू है, बीएमसी में बात कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा आदमी जो है मेन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आएगा, उससे हम लोग बैठ के बात करेंगे, उसके बाद तुम्हारा चालू करें पे पार्किंग क्या करना, हम लोग पहले इसका हल निकालते देखते क्या करना है। तो कुछ आदमी लोग यहाँ आके धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। मैं साइन में जा रहा था तो वहाँ पे रास्ते में मुझे मिल गए, करीब 6-7 आदमी थे। भाई तू ही है क्या दिनेश शुक्ला? बोला हाँ। तो बोलते इसी से बात, अगर वहाँ तू आया और कोई चीज में हमारे खड़ा हुआ रुका, कोई चीज अगर रुकावट डाला तेरा हाथ पर, तो उड़ा लेंगे। मतलब भाई ठीक है, तुम लोग जो करना करो, मैं अपना कर रहा हूँ, आप लोग अपना करो। यहाँ 50 साल से दुकानें हैं, इतने पुराने पर आज मैं यहाँ पे 14 साल की हिस्से आए, आज इतने साल से हम लोग है यहाँ पे, इसी से हमारा घर चलता है, हर चीज़ चलता है। वे हमारे पेट पे लात मारेगी, बीएमसी मारेगी, यहाँ के जो हमारे लोकल कॉन्ट्रेक्टर है जो जिन्होंने लिया है, इनको लेने से पहले हमसे राय लेना चाहिए था, हम लोगों से बात करना चाहिए था, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, दादागिरी इनकी, भाई हम कर लेंगे, तो गुंडागर्दी के हिसाब से हम लोग कब्जा कर, हमला कर, जो समझ में आए करेंगे। उसके बाद उन्होंने 2 दिन पहले दुकानों में लेटर दिया भाई ये पे पार्किंग का लेटर है और मंथली इसका 7,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो दुकानदार ने बोला 7,000 रुपया तू लेगा? बोलता हाँ मैं लूँगा और इसका देना पड़ेगा आपको। तो उसने बोला ठीक है, बोलता अगर नहीं दोगे तो यहाँ काम नहीं करने देंगे। दुकानदारों का कहना है कि हम 50 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ दुकानें लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे एंड पार्क हो जाएगा तो हमारा पूरा धंधा ठप पड़ जाएगा और हमारा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। अगर बीएमसी अपना ये प्रस्ताव वापस नहीं लेती है तो कुछ ही दिनों में शिवसेना अजर बहादुर सेना अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ता और दुकानदारों के साथ सड़क पर अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। आप मेरे को एक बात बताइए, आप किसी के घर के सामने कोई गाड़ी पार्क करते हैं, कुछ करते हैं, तो कितनी तकलीफ होती है? आप बताइए, एक दुकान के सामने पेन पार्क करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। यहाँ गाड़ी का काम होता है कर, और इतने ऑफिसर आए हैं, इतने आए, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सडनली ये सडन चेंज, ये खाली कमाने का तरीका और कुछ नहीं है। ये जो चीज़ करी जा रही है बहुत गलत है, अननेसेसरी हैरेस करना है। जिसके 2-2, 3-3 बच्चे हैं वो क्या करेंगे? मोदी साहब बोलते हैं 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा, 15 पैसे पहुंचा दिए तो बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने पहले भी विरोध जताया था, उन्होंने बोले कि हाँ भाई कोई बात नहीं है, देखते हैं। वो मामला लटकते ही आ रहा है। अभी ऑल ऑफ ए सडन उनका कॉन्ट्रैक्टर आ गया, पोस्टर वगैरह लगा के चला गया कि भाई पेंट पार्क लागू हो गया है। आप खुद बताइए, हम जो यहाँ धंधा करते हैं इतने सालों से, आज करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके कोई भी 20 रुपए का कूपन डाल के हमारी दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करके चला गया तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी? आज इतनी इन्वेस्टमेंट करके हम बैठे हैं तो एक 20 रुपए का कोई टिकट लिया और जहाँ पर गाड़ी खड़ा कर दिया तो हम तो ठगे गए ना। ये कोई तरीका नहीं है, मार्केट है, बिजनेस होते हैं, हमको जरूरत है पार्किंग की, जरूरत है। ऑफिशियली हम लोग पार्किंग यूज़ करते हैं और जो उसका चार्जेस है म्यूनसिपालिटी हमसे लेती है। पेंट पार्क का तो कोई यहाँ मतलब ही नहीं बनता है। कोई हो ना कहीं कोई थिएटर है, कोई पार्क है, कोई पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पर हम चलो पेंट पार्क करते हैं वो अलग बात है। ये तो बिजनेस की जगह है, कमर्शियल जगह है, कोई गाड़ी आती है, काम कराता है, कोई जा रहा है। अब यहाँ पेंट पार्क कैसे कर सकते? एक बार किसने गाड़ी लगा दी और 8 घंटा नहीं निकाला तो सामने बैठा दुकानदार मुंह ताकता रहे कि भाई कब गाड़ी जाएगी, कब गाड़ी जाएगी। आप सोच सकते हैं, अब कमर्शियल एरिया है।